आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल नेहाज किचन में। तो आज मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ एक बहुत ही आसानी से बनने वाली दाल की रेसिपी, और इसका नाम है हरियाली दाल। तो इसकी डिटेल्स जानने के लिए आप ये रेसिपी एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप ले लें 1.5 कप हरे मूंग की दाल। तो यहाँ पहले आप इसे 2 बार अच्छे पानी से धो लें। तो ये जो हरे मूंग की दाल है इसमें बहुत ही ज्यादा फाइबर और प्रोटीन होता है। तो दाल धोने के बाद आप इसे डाल दें कुकर में। तो ये जो दाल की रेसिपी है इसमें बहुत ही ज्यादा आयरन, फाइबर और विटामिन्स है, जो बड़ों के साथ साथ छोटों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें फिर आप डाल दीजिए 3 कप पानी, और इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर। मेरे आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसमें फिर मैंने डाल दिया है 1/2 चम्मच घी, ताकि जो ये दाल है ये कुकर से बाहर ना निकले। तो इसे हमें 2 से 3 सीटी तक अच्छे से पकाना है। तो दाल पकते तक हम कर लेते हैं कुछ और तैयारी। तो आप यहाँ पर ले लें 200 ग्राम पालक के पत्ते। पालक के पत्तों को आप अच्छे से पहले धो लें, और उसके बाद आप इसे डाल दीजिए एक बड़े वाले मिक्सर जार में। अगर पालक के पत्ते बहुत ही बड़े हैं तो आप उसे कट करके भी डाल सकते हैं। और उसके बाद आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें डाल दीजिए 2 से 3 हरी मिर्ची और 1 छोटा सा प्याज। प्याज को आप रफली चॉप करके मिक्सर जार में डालिए। फिर उसमें डाल दीजिए आप 2 इंच टुकड़ा अदरक का। तो यहाँ मेरा बेटा भी आ गया है मुझे हेल्प करने के लिए। इसमें आप थोड़ा सा पानी डालें ताकि इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन सके। तो आपको ऐसा एक स्मूथ पेस्ट बनाना है, आप इसमें बहुत ही ज्यादा पानी मत ऐड करिएगा। तो पैन को रखिए आप मीडियम फ्लेम में, और इसमें डाल दीजिए आप 2 से 3 चम्मच तेल। तो जब तेल गर्म हो जाए आप उसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच जीरा। तो जीरा जब चटकने लग जाए आप उसमें डाल दीजिए हींग। और हींग डालते ही आप उसमें डाल दीजिए तैयार किया हुआ क्रीम पेस्ट। तो दाल की कोई भी रेसिपी हो आप उसमें हींग जरूर डालिएगा, तो फ्लेवर के साथ साथ वो डाइजेशन में भी बहुत ही इजी हो जाएगा। और इसके बाद आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए नमक। और लीजिए कुकर की भी सीटी हो चुकी है। तो ये जो ग्रीन पेस्ट है इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे, ताकि जो पालक है और जो इसमें डाला हुआ अदरक और प्याज है वो भी अच्छे से पक जाए। तो आप इसे ढक दें, और इसे ढक कर आप इसे 5 से 10 मिनट तक पकाएं। तो आप बीच बीच में इसे चलाते रहें ताकि ये जो मसाला है वो नीचे से चिपके ना। और ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से पककर अब तैयार हो चुका है। तो इस वक्त आप इसमें डाल दीजिए गरम मसाला। तो यहाँ पर इसमें मैंने डाला है 1/2 चम्मच गरम मसाला। तो गरम मसाला डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 से 2 मिनट तक आप इसे और पकाएं। और इसमें से तेल भी अलग हो चुका है। इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए पकी हुई दाल। तो यूजुअली ये जो दाल है ये इतनी गाढ़ी नहीं होती है, तो पहले तो आप दाल और पालक को अच्छे से मिक्स कर लें। तो मिक्स करने के बाद आप इसमें डाल दीजिए गरम पानी। तो याद रखिएगा कि आपको यहाँ गरम पानी ही यूज करना है, आप यहाँ ठंडा पानी बिल्कुल भी मिक्स मत करिएगा। तो आपको दाल कितनी गाढ़ी या पतली चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पानी मिलाइएगा। पर याद रखिएगा कि जो ये मूंग दाल होता है ये काफ़ी पानी एब्जॉर्ब करता है, तो अगर आपको लगे कि इसमें और भी पानी मिलाना है तो आप गर्म पानी ही इसमें ऐड करिएगा। और बस पानी मिलाने के बाद आप इसे ढक दें और इसमें उबाल आने दें। तो 5 से 10 मिनट इसे पकाने के बाद ये जो दाल है इसमें बहुत ही अच्छा पालक का फ्लेवर भी आ जाएगा।
ये देखिए जो दाल है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो ये जो हरियाली दाल है ये बनाना बहुत ही आसान है ना। तो रेगुलर दाल बनाने की जगह आप एक बार ये दाल अपने घर में बनाकर जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। तो दाल में थोड़ा रिचनेस के लिए आप इसमें डाल दीजिए बटर। तो आप ये गर्मा गर्म दाल गर्मा गर्म रोटियों और चावल के साथ सर्व करें। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ।